हाय फ्रेंड्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी। ये कौन से क्लॉज में आता है? ये एक्चुअली आ रहा है 5.2.2। तो क्या बता रहा है वो ये बता रहा है कि द क्वालिटी पॉलिसी साल फर्स्ट पॉइंट किया बी अवेलेबल एंड बी मेंटेन एज डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, मेंटेन करेगा डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है? बी कम्युनिकेटेड अंडरस्टूड एंड अप्लाइड विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेट भी करेगा और समझेगा भी वो, अप्लाइड विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? बी अवेलेबल टू रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। ये कौन सा क्लॉज है? ये 5.2.2 कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ठीक है। तो वो कौन से क्लॉज में आता है? 5.3 क्या है? टॉप मैनेजमेंट शैल इंश्योर, टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करेगा देयर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज and authorities for relevant roles are assigned, communicated and understood within the organization, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आया टॉप मैनेजमेंट shall assign the responsibility and authority for, फर्स्ट पॉइंट क्या एंश्योर करेगा? एंश्योरिंग दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कन्फर्म्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो सेकंड क्या आंसर करेगा? एंश्योरिंग देयर द प्रोसेसेस आर डिलीवरिंग देयर इंटेंडेड आउटपुट्स, ठीक है। और रिपोर्ट क्या करेगा? रिपोर्टिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट इन पार्टिकुलर टू टॉप मैनेजमेंट। ये कौन से क्लॉजेस में आता है? ये 10.1, ठीक है। तो ये जो ये पॉइंट खाली, और नेक्स्ट एंश्योर क्या करेगा वो? एंश्योरिंग द प्रमोशन ऑफ कस्टमर फोकस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारा और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और क्या एंश्योर करेगा? एंश्योरिंग दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज मेंटेन्ड व्हेन changes to the quality management system are planned and implemented, ठीक है। तो ये कौन से क्लॉज हम डिस्कशन किए? 5.3 organizational roles, responsibilities and authorities, ठीक है। थैंक यू।